everyone. Good morning to all of you. How are all of you doing? कैसे हैं सब? Hello everyone. Good morning to all of you. Share the session. Okay, Stuti, Promit, Torsa, Sumit, Shivam, Nikita, Sakshi. Morning to all of you and share the session जिससे और ज्यादा viewers हों. नवीन, सुमित, देवाशीष, विशाल, राधे राधे. गुड मॉर्निंग. हाउ आर ऑल ऑफ यू डूइंग टुडे? सब कैसे हैं? Arvind, Danuj. Okay, so today session शुरू करें. I have all of you joined in with the energy. Nikita, Arun, Rinki, good morning. So all ready for the session now? Okay, तो शुरू करते हैं फिर आज का session with the first question that we have, that is, where is Indian Navy's largest solar power plant located? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है और इंडिया का लार्जेस्ट कहाँ है? So where is Indian Navy's largest solar power plant located and where is India's largest solar power plant located? दोनों के सिर्फ states बताने. Yes, ready, okay. Saurav, Anshul, Akshay, Arun, Devashish, Torsa, Saurabh. We have answers for Kerala right now. Chandan, Devashish, Manish. Most of you going with Kerala. Kerala, Priyadarshini, Shashikant. Okay, most of you with Kerala, and yes, all of you are right. केरला के अंदर इंडियन नेवी का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है और ये वहां पे कहाँ है? इंडियन नेवल एकेडमी. जो इंडियन नेवल एकेडमी है केरला के अंदर, वहां पे इंडियन नेवी का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट लोकेटेड है. एंड ये रिसेंटली अनवील हुआ था. एंड ये किसका पार्ट है? ये जो सोलर पावर प्लांट है जो बन रहे हैं, ये किसका पार्ट है? इंडिया का मिशन है. इट इज नेशनल सोलर मिशन. नेशनल सोलर मिशन है जिसके अंदर इंडिया का टारगेट है टू गेट 100 GW ऑफ सोलर पावर बाय 2022. एंड इसी प्रोजेक्ट के अंदर इतने सारे सोलर पावर प्लांट बन रहे हैं. आंसर फॉर इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, इंडियाज लार्जेस्ट, गुजरात सेज अमित, राहुल सेज कर्नाटका. द आंसर इज तमिलनाडु. इंडिया का लार्जेस्ट तमिलनाडु में है. तमिलनाडु हैज इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is India's first port to sign up for science based targets initiative SBTI. विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI के लिए साइन अप करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? India's first port to sign up for science based targets initiative. Now till that I'll tell you about the initiative. ये इनिशिएटिव ग्लोबल लेवल पे रन हो रहा है. ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया का फर्स्ट पोर्ट है, ग्लोबली 7th पोर्ट है जिसने साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव में एनरोल किया है. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव इज कि एमिशंस जो है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव इंडस्ट्रियल एरिया तक कैप की जा. इंडस्ट्रियल एरिया में जो ग्लोबल वार्मिंग थी उससे 1.5 डिग्री ऊपर से ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन नहीं हो या ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो. इस ऑब्जेक्टिव के साथ साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है. सौरभ, शिवम, देवाशीष, पवन, जगमीत, Sumit, Devashish, Promit. Okay, we have most of you for option D. That is right. Adani Ports and Special Economic Zone Limited इंडिया का पहला पोर्ट है और वर्ल्ड का 7th पोर्ट है जिसने इस इनिशिएटिव पे साइन अप किया है. नेक्स्ट, Which IIT is going to develop a biotechnology-based water treatment system to purify sewage water in Ganga and Godavari rivers? गंगा और गोदावरी नदियों में सीवेज के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा IIT एक जैव प्रौद्योगिकी आधारित जल उपचार प्रणाली विकसित करने जा रहा है? इस IIT ने गंगा और गोदावरी रिवर्स के सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हुए सिस्टम तैयार करने का डिसीजन लिया है. It is soon to be functional. Yes, जब फंक्शनल हो जाता है then it becomes the largest one once it's reached the cap. देवाशीष, सुमित, साक्षी, विपिन, मनीष, देवाशीष, अक्षय, पवन, जगमीत, सौरभ, प्रियादर्शनी. Okay, so we have answers for option A, IIT Ahmedabad. All of you going with Ahmedabad. इलाहाबाद कहाँ है यहाँ? Okay, most of you going with Ahmedabad. That is wrong. The right answer is IIT Banaras, जो BHU के अंदर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, which is IIT Banaras. उन्होंने तैयार कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम जो गंगा एंड गोदावरी रिवर्स को के सीवेज प्यूरिफिकेशन के अंदर हेल्प करेगा. और ये साथ ही साथ इसी स्टडी के अंदर वरुण रिवर एंड अस्सी दोनों रिवर्स को भी स्टडी के अंदर इंक्लूड करने की बात कही गई है. एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर आईआईटी खड़गपुर को भी इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक प्रोजेक्ट जो है वो आईआईटी बनारस का है. नेक्स्ट, विच कंट्री डिड इंडिया साइन अप द स्प्रिंग प्रोजेक्ट रिसेंटली? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्प्रिंग परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो बायोटेक्नोलॉजी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये स्प्रिंग प्रोजेक्ट के अंदर ही तैयार किया गया है या उसी प्रोजेक्ट के अंदर इसको फंक्शनल किया जाएगा. तो ये स्प्रिंग प्रोजेक्ट किस कंट्री के साथ है इंडिया का? शिवम, फिर भी आंसर तो आ रहे हैं आईआईटी अहमदाबाद. रंजीत, पीडीएफ टेलीग्राम पे हैं. शुभमोय, सौरभ, साक्षी, ललित, सुनील, अक्षय, देवाशीष, सुमन, अंकित, टोरसा, निकिता. Okay, we have a few answers right now going with option D, European Union, and that is right. European Union के साथ Spring Project sign किया गया है. Now Spring has a full form as well, which stands for Strategic Planning for Water Resources and Implementation of Novel Biotechnology Treatment Solutions and Good Practices. This is the full form of Spring Project. So as per the full form, यानी full form से पता चल रहा होगा इसका objective है कि water treatment या sewage system को better करने के लिए, clarify करने के लिए, water resources better तरीके से use हो, उनके अंदर biotechnology को use करके उनका treatment भी किया जाए, clean up भी की जाए उन सब चीजों के लिए इंडिया ने स्प्रिंग प्रोजेक्ट साइन किया है यूरोपियन यूनियन के साथ, और ये 3 इयर्स के लिए है। द टेन्योर ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 3 इयर्स, 3 साल के लिए इसको फंडिंग मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who launched the pilot project of the paperless national transit pass system recently? हाल ही में paperless national transit pass system के pilot project का शुभारंभ किसने किया, और ये pilot project किन state और states के अंदर है, किन राज्य या राज्यों के अंदर इसे लॉन्च किया गया है और किसने लॉन्च किया है? Yes, that is only for one-sided things, यानी PDF वगैरह देने के लिए ही बनाया गया है उस चैनल को भी। Yes, इतना बड़ा फुल फॉर्म है। साक्षी, मंथली रिविजन सेशन, आई गेस आई ट्राई इट फॉर 29:30, क्लोज इनफ, और बाय 1st of August। देवाशीष, अक्षय, अमित, सुमन, सौरभ, राहुल, टोरसा, देवाशीष, साक्षी, शिवम। ओके, सो वी हैव आंसर्स फॉर प्रकाश जावेडकर ऑप्शन ए एंड नितिन गडकरी ऑप्शन बी। ओके, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। प्रकाश जावेडकर ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था एंड इसे ऑल इंडिया प्रोजेक्ट दिवाली तक बनाया जाएगा। ऑल इंडिया इसे बाय दिवाली तक इसे ऑल इंडिया करने का प्लान है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया है कि नेशनल जो नेशनल ट्रांजिट पास मिलता है वो पेपर फॉर्म की जगह ऑनलाइन मिल जाए, जिससे कि ईज भी हो यानी कन्वीनियंट भी हो और साथ ही साथ पेपर भी सेव हो। किन स्टेट्स के अंदर है अभी? ओके, सो स्टेट्स के बारे में अगर देखें तो इट हैज बीन लॉन्च्ड इन 2 states एज ऑफ नाउ। 2 राज्यों के अंदर इसे लॉन्च किया गया है, MP एंड तेलंगाना। MP और तेलंगाना के अंदर इन्हें लॉन्च किया गया है फॉर नाउ ट्रायल बेसिस पे। Which organization has launched COVID-19 Law Lab initiative to provide legal information worldwide? किस संस्था ने दुनिया भर में कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए COVID-19 Law Lab पहल शुरू की है? तो COVID-19 Law Lab किस संस्था ने शुरू किया है? NTPCS, संदीपन, जो ट्रांजिट परमिट मिलता है, जो ट्रांजिट के लिए ट्रक्स एंड ऑल को ट्रांजिट की परमिशन मिलती है ऑल इंडिया, तो नेशनल ट्रांजिट जो मिलता है यूजुअली पेपर फॉर्म में मिलता है, जो आपको ऑफिस में जाके लेना पड़ता है, तो उसी को डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, यानी कि वो ट्रांजिट की परमिशन ऑनलाइन ही मिल जाए रादर देन गोइंग टू दी ऑफिसेस, दैट इज व्हाई पेपरलेस NTPC हैज बीन गिवन। Okay, so we have answers, all of you going with option D and that is right। World Health Organization ने लॉन्च किया है COVID-19 Law Lab। Now इस लैब के अंदर क्या है? COVID-19 के टाइम पे हर कंट्री ने अपने तरीके से हैंडल किया, अपने तरीके से गवर्नेंस लगाया, अपने तरीके से लॉ इम्प्लीमेंट किया, तो उन सारे लॉज को इस COVID-19 लॉ लैब के अंदर लिस्ट किया गया है या वेबसाइट पे डाला गया है, जिससे कि अगली बार कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक सिचुएशन होती है या नेशनल या वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी होती है, तो उस सिचुएशन को बेटर तरीके से कैसे हैंडल हो उसके लिए ये लॉ लैब तैयार की गई है। सो इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर बेस्ट या कैन से बेटर गवर्नेंस। अच्छे तरीके से अगली बार जब ऐसी सिचुएशन हो तो सही तरीके से उसे गवर्न किया जा सके, उसे सही तरीके से हैंडल किया जा सके, उसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। इट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर बेटर गवर्नेंस, गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, Which bank has joined hands with Green Climate Fund towards green recovery ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 डिजीज। इस बैंक ने कोविड-19 बीमारी के प्रभावों पर ग्रीन रिकवरी के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से हाथ मिलाया है और उस बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? Anyways, it has been long for you to have joined us. Well, इंडिया के लॉज में भी लिस्ट तो सबको किया गया बिकॉज देयर आर वेरियस थिंग्स जो इंडिया ने बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करी, तो एक तरीके से आइडिया लग जाए कि कौन सा तरीका किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, उसके लिए इट हैज बीन लॉन्च। तो हर कंट्री का इम्प्लीमेंटेशन, उसके ड्रॉबैक्स क्या रहे, उसको बेटर तरीके से कैसे हैंडल किया गया, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था, ऑल ऑफ दैट हैज बीन डन। World Bank, Torsa, Sonu, Devashish, Akshay, we have answers for option D right now. Saurav says AIIB, Sakshi, Torsa, Devashish, Bultai, Sumit, Devashish, Sumit. Okay, we have answers for C and A right now. The right answer is Asian Development Bank, option C. Asian Development Bank ने ग्रीन रिकवरी के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ पार्टनरशिप करी है एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक आर इन फिलीपींस, मानिला फिलीपींस के अंदर एडीबी के हेडक्वार्टर्स हैं। Which feature of United Payments Interference या UPI was launched by National Payments Corporation of India at the Global FinTech Festival 2020? Global Payment Festival 2020 में National Payments Corporation of India द्वारा UPI United Payments Interface की कौन सी सुविधा शुरू की गई? Now Global FinTech Festival 2020 फर्स्ट टाइम हुआ था, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट वॉज डन या ऑर्गेनाइज्ड एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 22 से 23 जुलाई के बीच में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। 68 members, 1966 VIK, that is right. Establishing year is 1966. सचिन, उसके लिए पुराना तो करना ही है, थोड़ा बहुत नया भी अपडेट ले लो फॉर एनी चांस की अगर अपडेटेड करंट अफेयर्स भी डाल दिया तो। ओके, सो यूपीआई ऑटो पे ऑल गोइंग विद ऑप्शन सी। सुनील, रतनदीप, रविनेत, चौरसा, देवाशीष, प्रियादर्शनी, ओके, ऑल ऑफ यू आर राइट। यूपीआई ऑटो पे का फीचर लॉन्च किया गया था ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में। इसके अंदर क्या था, अगर पेमेंट 2000 से कम का है, पेमेंट लेस देन 2000, तो उसका वन टाइम ओटीपी से कंफर्मेशन होगा यूपीआई का एंड आफ्टर दैट होल मंथ, पूरे महीने में दोबारा ये 2000 से कम के ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी नहीं मांगेगा। इट विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड और डिडक्टेड एंड ग्रेटर देन 2000 के लिए हर बार मांगेगा। सो दिस इज यूपीआई ऑटो पे फीचर जिसके बारे में काफी टाइम से सुनते भी आ रहे हैं, फाइनली इट हैज बीन लॉन्च्ड। नाउ किसने ये ऑर्गेनाइज किया था? ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया या PCI एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, ये दोनों हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Amazon Pay has partnered with which general insurance company to offer 100% paperless auto insurance? Amazon ने 100% paperless auto बीमा की पेशकश करने के लिए किस सामान्य बीमा कंपनी के साथ भागीदारी की है? ये ऑटो इंश्योरेंस टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स दोनों के लिए है। यस, ई मैंडेट टाइप फॉर रिकरिंग ट्रांजैक्शन, अगर एक ही जगह पे 2000 से ज्यादा मतलब 2000 से कम का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वन टाइम ओटीपी एंड देन इट्स गोइंग टू ऑटो रिड्यूस इट, ऑटो डिडक्टेड। मनीष, सुनील, ललित, राज, प्रमित, Devashish, Dorsa, Raj, Hamid. Okay, so we have answers for option A, Accio General Insurance, and that is right. Accio General Insurance के साथ Amazon Pay ने पार्टनरशिप करी है और ये ऑटो इंश्योरेंस टू व्हीलर्स के लिए भी है एंड फोर व्हीलर्स के लिए भी है. एंड ये जो ऑटो इंश्योरेंस है ये Amazon पे यानी Amazon के अंदर ही मिलेगा. Amazon पे फीचर जहाँ पे है वहीं पे the facility will be given for the insurance. Next, who has been appointed as MD and CEO of Indian Overseas Bank and headquarters of Indian Overseas Bank? Indian Overseas Bank के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ है? So, MD and CEO of Indian Overseas Bank and headquarters of Indian Overseas Bank. Saurav, Sumit, Raj, Pramit, Sunil. Quick answers. Amit, Pramit, Vicky. Okay, so we have answers for option A and option B. Partha Pratim Sen Gupta and Subramaniam Sundar. The right answer is option A. Partha Pratim Sen Gupta को MD and CEO अपॉइंट किया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का. कर्णम शेखर को रिप्लेस किया है. हेडक्वार्टर्स अमित सेज तमिलनाडु. Any more answers? Headquarters Chennai, Shivam. Okay, so both of you are right. Yes, the headquarters are in Chennai, Tamil Nadu. Next, who has been appointed as honorary advisor for BRICS CCI? BRICS CCI के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BRICS के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं एंड CCI क्या है? CCI का I'll tell you. It's the easy part. It is a chamber of कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो ब्रिक्स का सीसीआई चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑनररी एडवाइजर के फॉर्म में किसे अपॉइंट किया गया है? ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर्स हैं एंड इसे ऑनररी एडवाइजर क्यों बोला गया है? व्हाई इज इट कॉल्ड द ऑनररी एडवाइजर? त्रिलोक, विशाल, सोनू, सौरभ, अंकित, प्रेम, सौरभ, सुनील, देवाशीष, कुणाल. ओके, कुणाल जो करंट होता है उसके अंदर यूजुअली नेम्स एंड स्टेट्स ही होते हैं तो उसके अंदर मुझे इतना नहीं लगता कि हिंदी की जरूरत होगी. बाकी जो स्टैटिक होता है उसके अंदर यू विल गेट ऑप्शंस इन बोथ लैंग्वेजेस. स्टैटिक के अंदर दोनों लैंग्वेजेस में है बट जहाँ स्टेट्स हैं, नेम्स हैं, उनके अंदर आई डोंट थिंक इट इज मच रिक्वायर्ड. ओके, answer for this. Okay, most of you going with option B, Sahil Seth. That is right. Sahil Seth को appoint किया गया है honorary advisor. Brazil, Russia, India, China, South Africa. Saurabh. Okay, Saurabh has given the name of countries. That is right. Manish, Rahul. Yes, Brazil, Russia, India, China and South Africa. जो initials हैं वही countries के names हैं. So there are 5 countries which are a part of BRICS. Honorary advisor क्यों बोला गया है? It is because कि इस पोजीशन के अंदर कोई फाइनेंशियल रिन्यूमरेशन नहीं होगा, कोई ऐसा पेमेंट नहीं किया जाएगा उन्हें अपनी सर्विसेज का. ये एक वॉलंटरी बेसिस पे है, मतलब कोई बनना चाहता है एडवाइजर तो बन सकता है, कोई उसके लिए पे नहीं किया जाएगा. इट्स एन ऑनररी पोजिशन. साहिल सेठ रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं 2011 बैच के एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट. क्रिकेटर श्रीपाली वीरकौडी हु announced retirement recently belongs to which country? क्रिकेटर श्रीपाली वीरकौडी जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है वह किस देश से हैं? Quick, ये तो easy question है. All the cricket fans are here. Most of you cricket fans. तो cricketer Shripali Veerakody who has announced retirement recently belongs to which country? Sunil, Saurabh, Amit, Saurabh, Anshul, Prem, Sumit, Vicky, त्रिलोक, लालचंद। साउथ अफ्रीका रिसेंटली एडेड है, त्रिलोक, यस दैट्स राइट, 2010 में रिसेंटली ही ऐड किया गया है ब्रिक्स में, अदरवाइज इट वाज BRIC एंड S वाज स्मॉल। Devashish, Saurav, Akshay, okay, most of you, I mean all of you going with Sri Lanka, that is right. Shripali Virakoti, एक Sri Lankan cricketer है, she is right now the age of 34 year old, and ये पहली women cricketer है of श्रीलंका की पहली विमेन क्रिकेटर जो फिटनेस ट्रेनर के लिए क्वालिफाइड है। इन्हें क्वालिफाई कर दिया है बाय ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिटनेस, ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिटनेस की तरफ से ये क्वालिफाइड फिटनेस ट्रेनर है, एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ श्रीलंका जो फिटनेस ट्रेनर बनी है या क्वालिफाई हुई है। Who authored the book titled The End Game? The End Game नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जो बुक है ये बेसिकली पॉलिटिक्स एंड बिट्रेयल और पॉलिटिक्स का जो डर्टी पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, उस चीज के ऊपर ये बुक लिखी गई है, द एंड गेम। ये बुक किसने लिखी है? एंड आई विश हो जाए अविनेश, होने वाला है, एंड आई विश हो जाए। यस, शी इज अ वुमन प्लेयर। सो ओके, प्रोमित, BIK, सुनील, सुमित, प्रेम, मनीष, राहुल। Okay, we have answers coming for option A, Devashish, Rahul, Sunil, Amit. Most of you going with A, right? Devashish, Torsa, निकिता, सौरभ, एंड दैट इज राइट। S हुसैन जैदी ने ये बुक लिखी है, द एंड गेम। हु इज द ऑथर ऑफ द फोटो बुक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट? फोटो बुक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फोटो बुक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट? और जो भी है वो किस कंट्री के हैं, किस कंट्री के वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नाम की फोटो बुक पब्लिश करी है रिसेंटली। या इसीलिए बैकअप गेम भी बन गया ना फ्री फायर, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल संदीपन, इट हैज बीन रिलीज्ड रिसेंटली। जो रिसेंटली रिलीज्ड बुक्स हैं दे आर ऑलवेज इन न्यूज, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इट इज अबाउट the politics ongoing, the betrayals in politics, and currently political scenarios बहुत ज़्यादा complicated वैसे भी चल रहे हैं, so yes it becomes an important one. Trilok, Torsa, Amit, Vaibhav, Akshay, Sonu, okay, all of you are going with option B, and all of you are right. Steve Woff is the author of the photo book Spirit of Cricket. किस country के हैं? Australia. Akshay says Australia. Prem says England. Saurabh, सुमित, मनीष, टॉर्सा, ओके। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूजन है, तो राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ही इज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। हु लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म नेम्ड रीस्टार्ट इंडिया टू सपोर्ट द MSME सेक्टर? MSME क्षेत्र को समर्थन करने के लिए रीस्टार्ट इंडिया नाम का मंच किसने लॉन्च किया है? MSME सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए रीस्टार्ट इंडिया का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ये किसने लॉन्च किया था रिसेंटली? Who has launched the platform named Restart India to support the MSME sector? अंशुल, वासु, देवाशीष, BIK, वैभव, प्रोमित, टॉर्सा, अमित, सुमित, सुनील, वैभव, ओके। We have answers for option A and option B. Most going with option B, and that is right. Nitin Gadkari, who is the Union Minister of MSME, उन्होंने ये रीस्टार्ट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ MSME सेक्टर। नाउ GS या GA सेक्शन पे आते हैं। इनिशियल 4 क्वेश्चंस जो हैं ये करंट से रिलेटेड हैं, उसके बाद कंप्लीटली स्टैटिक आएगा, लेकिन ये अभी करंट से रिलेटेड स्टैटिक है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड ये किस कंट्री में है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है और किस देश में है? डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज इन विच कंट्री? MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजर्स, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ऑफ इंडिया वो MSME सेक्टर के अंदर आते हैं। अनुपम, सुमित, देवाशीष, मनीष, VIK, निकिता, वैभव, मंगेश, प्रेम। ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स व्हिच आर गोइंग विद बायकल, दैट इज राइट। बायकल लेक जो है ये डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की, किस कंट्री में है? Pearl of Russia, says Manish Subhadeep. Okay, both of you are right. Yes, ये रशिया के अंदर है। और ये न्यूज में क्यों है? The thing that is in news is because यहाँ पे recently news आई है कि यहाँ पे there is a possibility कि approximately 100 liters of fuel leakage हुआ है। There has been a news of a possibility, एक possibility है कि 100 liters of fuel का leakage हुआ है इस lake के अंदर, and इसी के ऊपर थोड़ा सा much work is going on कि कैसे हुआ और क्या हुआ, so that is why it is in news. Next question, Dibru-Saikhowa National Park is located in which state? Dibru-Saikhowa राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? Dibru-Saikhowa नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये न्यूज में क्यों है इतना मैं बता देती हूँ अभी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन इन दोनों से एक्सप्लेनेशन मांगा गया है बाय द कोर्ट कि डिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क के अंदर कुछ 7 ड्रिल पॉइंट्स हैं, उनको अप्रूवल कैसे दिया गया या क्यों दिया गया? व्हाई 7 ड्रिल पॉइंट्स वर गिवन अप्रूवल अगेंस्ट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? इस वजह से ये न्यूज में है। अंकित, गौतम, Baltai, Vasu, Pramod, Nikita, Devashish, Sumit, Saurav. Okay, we have a lot of answers and the right answer is Assam. All of you are right. Assam के अंदर है डिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क और ये न्यूज में इसीलिए है कि कुछ 7 ड्रिल पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन है कि उनको ग्रीन कार्ड कैसे मिल गया उस पार्क के अंदर होने के बाद भी ड्रिल करने के लिए। In which state is Lonar Lake situated? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? It is in news because pink color हो गया है उसका lake का। Lake has changed its color to pink, तो इसीलिए ये news में है। बैक्टीरिया हेलो आर्केई बैक्टीरिया की वजह से ये पिंक कलर हुआ है। असम कैपिटल गुवाहाटी, प्रेम राइट। यस, MSME का नाम चेंज हो गया है, बताया था, याद करो। हिमाचल, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी, ऑप्शन ओके। मोस्ट ऑफ यू गोइंग विद महाराष्ट्र, वेल दैट्स अमेजिंग, ऑल ऑफ यू आर राइट। महाराष्ट्र के अंदर है लोनार लेक और इसका कलर रिसेंटली पिंक हो गया है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेलो आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट है हेलो आर्की, इसकी वजह से पिंक कलर हुआ है एंड स्टडीज आर गोइंग कि क्यों हुआ है। मधुबनी पेंटिंग्स हैव देयर ओरिजिन इन विच स्टेट? मधुबनी पेंटिंग का उद्यम किस राज्य में है? In which, okay, so Madhubani painting का ओरिजिन किस स्टेट में? काफी न्यूज में अभी इसलिए कि मधुबनी पेंटर्स ने मास्क के थ्रू यू नो दे हैव क्रिएटेड अ मोटिव फॉर द मास्क एंड दे वर क्वाइट फेमस एट दैट टाइम। सुमित, इंडिया लोकल, अमित, चंदन, शिवम, अंकित, Raj. Okay, we have a lot of answers. Sakshi, Lalit, Gautam, Torsa. We have a lot of answers going with Bihar, and all of you are right. Bihar की famous है Madhubani paintings. Now, who among the following is known to manufacture the first cyclotron? निम्नलिखित में से कौन पहले cyclotron का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं? Who is the one जिसने cyclotron invent करे थे और किस year में करे थे? यहाँ से IAC निकलते हैं मोस्ट प्रोबेबली. यस, ईयर एंड पर्सन. एनी गेसेस? ओके, वी हैव समवन फ्रॉम मधुबनी इटसेल्फ. निकिता, देवाशीष, सोनू, अंकित, टोरसा, अक्षय, साक्षी, राज, देवाशीष, गौतम. We have answers for option D, Max Bohr, option B, Neil Bohr. Okay, the answer of this question is going to be option A. Ernst Lawrence is the person जिसने first cyclotron तैयार किया था 1930 में. 1930 में साइक्लोट्रॉन बना था. अर्न्स्ट लॉरेंस इज द पर्सन जिसने बनाया था. Who among the following is the writer of the famous poverty and un-British rule in India? निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी और un-British नियम के लेखक हैं और इस बुक के अंदर क्या खास बात थी? What was there in this book की ये इतनी इम्पोर्टेंट है? पहली बात, ये बुक किसने लिखी है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल ये क्यों इम्पोर्टेंट है? साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस. ये एक डिवाइस है त्रिलोक जो हैवी चार्ज्ड पार्टिकल्स को स्पीड अप करता है या साइक्लोन के फॉर्म में ऐसे मूव करता है. इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट दोज पार्टिकल्स, एंड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने में इन अ सर्कुलर मोशन इट इज यूज्ड. दादा भाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी. ऑल ऑफ यू गोइंग विद ऑप्शन बी. ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी, दैट इज राइट. दादा भाई नारोजी ने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया. Why is it famous? It tells about the drain of wealth from India. Mukul, that's exactly the point. Yes, wealth drain के ऊपर ये बुक थी. वेल्थ ड्रेन के ऊपर थी कि किस तरह से ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया का पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है. जैसे ब्रेन ड्रेन होता है, आजकल काम इज ब्रेन ड्रेन, जो टैलेंटेड पर्संस जब बाहर चले जाते हैं, कंट्री के टैलेंटेड पर्संस कंट्री से बाहर जाके वर्क करें तो उसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं. इसी तरह से वेल्थ ड्रेन हो रहा था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, तो उसी के ऊपर लाइट देने के लिए कि किस तरह से ये हो रहा है और कैसे इफेक्ट कर रहा है, दिस बुक वॉज रिटन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया. Now, which among the following is the most suitable example of double counting in national income? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय में दोहरी गिनती का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? Best example of double counting of national income. Okay, we have engineers over here, that's right, so they can explain it better. Saurav has explained it quite good. मैं इंडिया में हूँ, don't worry. This is the first Indian to be elected in British Parliament. Answer for this, double counting of national income. Best example. साक्षी, सौरभ, ललित, देवाशीष, निकिता, कौशिक, सुभादीप, कौशिक, टोरसा, कौशिक. होता क्या है? व्हाट इज डबल काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम? best example is going to be option B. So Ankit has said that, and if others have, I can't recall any name, but Ankit, that is right. Cotton output and cotton cloth output. Dono, this is the best example of double counting of national income. तो नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम अगर कॉटन का आउटपुट यानी कपास का जो उत्पाद है उसको भी काउंट करें और कॉटन से जो क्लॉथ बना है उसके थ्रू जो उत्पादन हुआ है उसे भी काउंट करेंगे तो नेशनल इनकम 2 टाइम्स है, डबल काउंट हो जाएगी, मल्टीपल टाइम्स इनफैक्ट काउंट हो जाएगी क्योंकि कॉटन आउटपुट के बाद यार्न बनता है, उसके बाद फिर क्लॉथ बनता है, फिर वो रिटेल में जाता है. So multiple times cotton को count हो जाएगा and that is the best example of double counting of national income. Next question. Unit of stress. तनाव का इकाई क्या है? GDP country wrong, कोई country wrong बता सकती है? Yes. GDP काफी दो तरीके वेरियस मेथड्स ऑफ काउंटिंग जीडीपी तो जिससे बेटर आ रहा है अगर वो बता रहे हैं तो दैट्स अ फॉर्म ऑफ रॉन्ग. प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन 7 कौशिक. ओके सो आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टर दिस आंसर. इसके बाद मैं बताती हूँ डबल काउंटिंग ऑफ इनकम क्या है. अमित, शिवम, मुकुल, निकिता, वी हैव आंसर्स फॉर ऑप्शन ए. जल्दी इजी क्वेश्चन है. Saurav, Devashish, Amit, Pankaj, Ritu, Sumit, Torsa, all of you going with option A, all of you are right. SI unit अगर पूछेंगे तो SI unit is Pascal और अगर न्यूटन के फॉर्म में देखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस. नाउ देयर वाज समवन हु वाज आस्किंग ऑफ डबल काउंटिंग. ऑफ नेशनल इनकम. Now, नेशनल इनकम की काउंटिंग अभी कुछ टाइम पहले जीएनआई के बारे में बताया था. कुछ 2 दिन पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है ग्रॉस नेशनल इनकम का. तो उसके अंदर बताया था कि किस तरह से नेशनल इनकम काउंट होती है, राइट? कितना इनपुट क्रिएट हो रहा है या कितना अमाउंट जनरेट हो रहा है इन द कंट्री दैट कम्स अंडर नेशनल इनकम, ओके, बाय द इंडियन सिटीजंस इटसेल्फ. नाउ कभी ऐसा हो, इसके अंदर क्या काउंट करते हैं, कितना आउटपुट हो रहा है. आउटपुट काउंट करते हैं इनकम के लिए क्योंकि जितना आउटपुट होगा उतने ही पैसे आ रहे हैं. इसके अंदर इट इज सेट, मतलब प्रपोज्ड थिंग इज कि अगर राइट तरीके से अगर नेशनल इनकम काउंट करना है तो फाइनल आउटपुट काउंट हो. फाइनल आउटपुट यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, जैसे अगर बाइसिकल प्रोड्यूस हो रही है तो जो बाइसिकल की रेट है हम उसको काउंट करें, या कॉटन के अगर एग्जांपल लिया तो कॉटन का जो कपड़ा बिका है उसको काउंट करें. दैट विल गिव द प्रॉपर नेशनल इनकम. लेकिन अब क्या माना जाता है, हर कोई अपने प्रोडक्ट को लास्ट मानता है. फार्मर के लिए कॉटन का प्रोड्यूस लास्ट है, जो यार्न कंपनी है जो कॉटन के थ्रेड्स बनाती है उसके लिए वो उसका प्रोडक्ट है. थ्रेड से जो क्लॉथ बन रहा है, जो कंपनी थ्रेड से क्लॉथ बना रही है उसके लिए क्लॉथ फाइनल प्रोडक्ट है. तो हर कंपनी अपनी तरफ से अलग अलग इनकम देती है. तो इस तरीके से अगर देखें तो कॉटन जो है वो पहले कॉटन से यार्न बना, यार्न से क्लॉथ बना और क्लॉथ से फिर आउटफिट बना. इस पूरे प्रोसेस में काउंट सिर्फ ये होना चाहिए क्योंकि ये यूज हो रहा है या ये यूज हो रहा है. बट अगर ये सारी चीजें काउंट करेंगे तो इनकम ज्यादा शो होगी कंपेयर्ड टू अगर ये दोनों शो करेंगे तो. ज्यादा दिखाने के लिए चारों काउंट कर लेते हैं एंड दिस होल इज नोन एज डबल काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम क्योंकि डिफेक्टेड काउंटिंग हुई है इसके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मूव फॉरवर्ड. And I hope it is clear to you now. Calcium is required in plants and formation of which of the following? निम्नलिखित में से किसके निर्माण में पौधों में कैल्शियम की आवश्यकता होती है? Kaushik, okay, got it. Thanks, you're welcome. Now, calcium is required in plants and formation of which of the following? Devashish, Sumit, Ankit, quick answers. Anshul, Devashish, Gautam, Sumit, we have answers for option A, cell membrane, option B, cell wall. The right answer is cell wall, option B. Calcium cell wall बनाने में काम आता है. Which of the following controls the protein synthesis and heredity? निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण और अनुवंशिकता को नियंत्रित करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर कॉमन सेंस लगाते हो. सिर्फ हेरिडिटी को देखो. हेरिडिटी इनमें से किसके वजह से होती है? Which of the following is responsible for heredity? बहुत easy question if you use the common sense. It's for holding together cell walls of plants. Kaushik, yes. Pratandeep, Kaushik, VIK, Sumit, Devashish, Nikita. We have answers for option C and option B. Ankit. अच्छा, जो लोग ऑप्शन DNA चूज कर रहे हैं, जिनके अंदर RNA होता है, उनके अंदर जीन हेरिडिटी नहीं होती. Most of you going with option B and that is right. Genes are responsible for heredity and protein synthesis. दोनों के अंदर genes responsible होते हैं because DNA तो ठीक है, DNA humans के अंदर है and advanced cells के अंदर होते हैं. लेकिन जैसे viruses हैं, bacteria है, they have RNA. लेकिन they also have heredity. उनकी भी heredity है. They also have protein synthesis. Protein synthesis या protein संश्लेषण वहाँ भी होता है. तो DNA या RNA exactly choose नहीं कर सकते जब option में genes दिया हुआ है. So that is why genes is going to be the right answer. What fraction of human blood is plasma? मानव रक्त का क्या अंश प्लाज्मा है? मानव रक्त के अंदर कितना अंश प्लाज्मा होता है? What is the fraction of plasma in human blood? There's a huge difference. First of all, nucleic acid में difference है. The sugar, deoxyribose and ribonucleic acid. Second of all, it has difference in the bondings. I'll give the exact table. जो PDF आएगी उसके अंदर I'll give you the exact table between DNA and RNA difference. कुछ differences होते हैं, and for that I'll give it in the table, in the PDF of this class. Anshul, Shivam, Raj, Santosh, Sunil, Sakshi, Ritu, Shivam, Devashish, Santosh. Okay, we have 45% as the answer. Right answer is 55%. Plasma मानव रक्त के अंदर 55% present होता है. Here is the elements of blood diagram. Plasma is the liquid जिसके अंदर blood RBC, WBC ये सब flow जिसमें होते हैं. So yellow colored liquid ये plasma होता है. Platelets 0.01% approximately. Red blood cells 41% होते हैं and white blood cells about 4% होते हैं in our bloodstream. और WBC के काफी types हैं, lymphocyte, basophil, eosinophil, monocyte and neutrophil. ये types of white blood cell हैं. Next, Indra Call makes the 3-point boundary between which of the following countries? इंदिरा कर्नल निम्नलिखित में से किस देश के बीच 3 बिंदु सीमा बनाता है? 3-point boundary है इंदिरा कॉल, किसके बीच में? नहीं, 55% अविनेश. Yes, अब तक तो पता हो जाना चाहिए. एग्जैक्टली शिवम, इतना बताते हैं फिर भी आंसर 45% आया. इंदिरा कॉल, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. अविनेश, दैट इज राइट. क्यों बोलते हैं ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू? अंशुल, यस. एक्चुअली ब्लड डोनेशन के टाइम पे व्हेन वी डोनेट ब्लड ये अलग भी किए जाते हैं. मतलब हर पर्सन को, किसी को आरबीसी की रिक्वायरमेंट है तो आरबीसी सेपरेट कर देते हैं, प्लाज्मा सेपरेट कर देते हैं. दैट प्रोसेस इज आल्सो यूज्ड. संतोष, गोपाल, देवाशीष, गोपाल, साक्षी, तोरसा, संतोष. ओके, मोस्ट ऑफ यू गोइंग विद ऑप्शन बी. रवि ने, ये लेबोरेटरी में सेपरेट किया जाता है. प्लाज्मा इज सेपरेटेड एंड सेपरेटिव फॉर्म अब अलग तरीके से भी आने लगता है, जिसमें सेपरेटिव फॉर्म पहले ही सिर्फ प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट हो. Answer for this question is India, Pakistan and China, option B. इंडिया पाकिस्तान और चीन के बीच में 3 पॉइंट बाउंड्री है. दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट. दिस इज वेयर इंदिरा कॉल इज एंड इट इज अ 3 पॉइंट बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना. लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मॉलस्क. निम्नलिखित में से कौन एक मॉलस्क है? लास्ट क्वेश्चन है. Quickly answer the question. Northernmost point of India, yes. Southernmost is Kanyakumari. Yes, machinery has been created. लेकिन अगर नॉर्मली हम ब्लड डोनेट भी करते हैं तो उसके अंदर भी उसमें से सेपरेटिव फॉर्म यूज किया जाता है. दैट इज उस ब्लड को भी सेपरेट किया जा सकता है विच नॉर्मली यू डू द ब्लड डोनेशन. Answer for this question, option C. Most of you going with option C. The answer is option A, cuttlefish. Cuttlefish is a mollusk. Now with this we wind up the session of the day. आज का session यहीं खत्म होता है. For PDF you can follow on Telegram channel, Current Affairs by Ashima Shukla, and further updates के लिए you can follow on Instagram and Facebook. So I will see you tomorrow now. Until then, goodbye, take care, have a great day ahead and good luck.